करनाल की अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद नहीं होने के कारण किसानों का फूटा गुस्सा। मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर सैकड़ों किसानों ने दिया धरना। कार्यालय के गेट को पन्ने से किया बंद। कई दिनों से अनाज मंडी में पीआर धान की नहीं हो रही थी खरीद। जिला प्रशासन द्वारा मंडी के गेटों पर लगाए गए थे पुलिस के नाके। करनाल में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने किया रोष प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कई दिनों से अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद नहीं होने से किसानों में रोष पनपता नजर आ रहा जिसको लेकर आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों की संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों ने मार्केट कमेटी के गेट के पन्ने से बंद कर धरना दिया। किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की ओर से तहसील मौके पर पहुंची। किसानों को आश्वासन देते हुए तहसीलदार हवा सिंह कहा जल्द ही उच्च अधिकारियों के माध्यम से किसानों की समस्या का समाधान कराया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन और से मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं फसल काटने के कटाई के बाद किसानों द्वारा फन्नों में आग लगाने के बाद किसानों पर दर्ज हुए मामले पर भी भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष रतन मान को कड़ी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जो पीआर धान की जो खरीद सरकार ने बंद कर दी और यहाँ मंडी के अंदर पुलिस बिठा दी थी, किसानों की मंडी में एंट्री बंद कर दी थी, तो हमने अल्टीमेटम दिया था और आज यहाँ किसान पंचायत बुलाई थी और हमने पूरी करनाल मंडी के अंदर रोष प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया और सभी गेटों पर गए, लेकिन हमें पुलिस दिखाई नहीं दी गई। हमें बताया गया, पुलिस को हटा दिया गया, किसानों की एंट्री शुरू हो गई है। जो बहुत मामूली सी किसानों की जो 75 जो धान है वो बची हुई है पीआर और उसमें आनाकानी करी है सरकार। तो आज हमने यहाँ रोष प्रदर्शन करके यहाँ के तहसीलदार को बुला करके किसान पंचायत में उनको मेमोरेंडम दे दिया। किसके नाम? मुख्यमंत्री जी को के नाम हमने वो भेजा है और हमारा मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो आपने जो वचन और जो जुबान दी है कि एक एक दाने की खरीदने की, उसको पूरा किया जाए, एक एक दाने को वास्तव में खरीदा जाए, नहीं तो किसानों में रोष है, सरकार के प्रति नाराज है किसान। तो आपने कहा मामले दर्ज किए? हाँ बिल्कुल। दूसरा मुद्दा, किसान के ऊपर आफत जो सरकार बना रही है, जो पराली किसानों ने फूकी है मजबूरी में, शौक में नहीं, अगर किसी ने शौक में या जानबूझ कर पराली फूकी हो 100 फेरी मुकदमे दर्ज हो, लेकिन बेबसी में कोई काम किया जाए और उसको अपराध बना दिया जाए और आपराधिक मामले दर्ज कराए, इसको भारतीय किसान यूनियन किसी की मतलब सहन नहीं करती, ना करेंगे। और जब भी सरकार को इस बात की आवश्यकता हो, मुख्यमंत्री जी को आवश्यकता, किसान को गिरफ्तार करना इन मामलों में, और हमें वो जेल वो जिला बता दिया जाए, हम स्वयं आकर के जेलों में जाने के लिए तैयार है और हम जेलों में जाने के लिए एक एक किसान तैयार है। और सबसे बड़ा किसानों में रोष है, प्रदेश में अब की बार दो दो मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरे जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, खुद मुख्यमंत्री जी है मनोहर लाल जी, मंडी में कोई सा नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया। ऐसी कौन सी बात है जिससे ये मतलब भाजपा सरकार बची हुई है मंडी बनाने के लिए, ये हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं, सरकार भी अच्छी तरह, इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे सरकार को।